सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। साथियों, ये यूट्यूब चैनल है सहारा प्रॉपर्टी 50। हमें अपने इस चैनल पे प्रॉपर्टी, मकान, दुकान से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की, इन्हीं चीज़ों की प्रॉपर्टी से संबंधित 99% मेरी ये कोशिश है कि इसी तरह ये वीडियो बनाता हूँ और इस पर डालता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे चैनल पर करीब 450 वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको उसको देखें, आपको अच्छा लगेगा, शायद आपको फ़ायदे की हो, आप उसमें कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको आज एक ऐसे प्लॉट की बात कर रहा हूँ जो बहुत बेशकीमती है, बहुत ही बढ़िया है। ये गेट लगा है इस मकान से, मैं देखे जा रहा हूँ, मैं अंदर, ये प्लॉट है। हाँ जी भाईजान, अब बताएं, ये दीवार इस प्लॉट में शामिल नहीं है, और ये इधर है इस वाली दीवार को छोड़ के, यानी कि इस दीवार को छोड़ के और उधर उसको छोड़ के, है ना। इसका फ्रंट कितना जी? 23 फीट इसका फ्रंट है और गहराई लगभग, इसकी गहराई लगभग 60 फीट है, 23 फीट फ्रंट है लगभग आइडियल। और वो दीवार पीछे मैं दिखाता हूँ, देखो इधर भी समझ लें कि यहाँ पर ये दीवार, इसमें इधर वाली दीवार इसमें शामिल नहीं है, ये वाली नहीं है, है ना, यानी कि ये वाली दीवार इसमें शामिल नहीं है, और ये वाली दीवार सामने वाली शामिल है, ये 9 इंच की दीवार है, यानी कि यहाँ से वहाँ तक ये बनी हुई है ना। और ये प्लॉट इधर हम ये कहेंगे इस नीस, ये नीबी से शामिल नहीं है, और ये है, यह तो है जी, यहाँ तक ये यहाँ तक है जी, ये है ना, ये है 150 वर्ग गज का प्लॉट, ये 150 वर्ग गज का प्लॉट है। बिक्री के लिए गेट है इसमें लगा हुआ है, और इस वक्त मेरे पास इसकी जो स्वामी है खुद वो हैं। अब आपकी बात कराता हूँ, भाई साहब आ जाओ इधर प्लॉट को, अब जो आदाब भाई साहब, आदाब, आदाब, यहाँ प्लॉट बेच रहे हैं जी हाँ, इसका ब्यौरा बताइए। इसका फ्रंट 23 फुट है, फ्रंट 23 फीट, गहराई लगभग 60 फुट है, गहराई लगभग 60 फीट, आगे फ्रंट रोड 20 फुट का लगभग रोड भी आ गए। अच्छा, हमें कह रहा हो कोई भी ले, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार, नीरज कुमार अग्रवाल, अग्रवाल जी। क्योंकि देखिए आजकल आप, हम जानते हैं कि हर बात हर लेने वाला आदमी पूछना जानना चाहता है जी जी, कोई भी ले, इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है जी, ठीक है। अब ये मेरा कहना है कि ये इसका एरिया आसपास में क्या है, जब बताइए ना सर, मतलब बाहर का? हाँ, बाहर 20 फुट रोड है। नहीं नहीं, इधर मोहल्ला कौन सा है? ये आगे शक्तिनगर, कौन सा नगर? शक्तिनगर, शक्तिनगर हाईवे से। अब मैं आपको हाईवे दिखाता हूँ साथियों, ये रोड बनी हुई है लेकिन और नींव होने जा रही है, नाले बन रहे हैं, नए ढंग से ऊंचाई बन रही है, तो जाहिर है। देखिए ये तो रहा प्लॉट, और ये रहा हाईवे, मैं इस वक्त हाईवे के नाले पर हूँ, ये नाला हाईवे, और ये रहा प्लॉट, सामने जहाँ भैया जी खड़े हैं, वो स्वामी भी खड़े हैं और उनके साथ में हमारे साथी भी खड़े हैं, क्या कहेंगे इसे, हाईवे पे कहेंगे ना, हाईवे बिल्कुल करीब हुआ हाईवे, ये रहा हाईवे, और हाईवे भी ऐसा वाला हाईवे जहाँ पर ये टी पॉइंट होता है, ये यहाँ पर मुरादाबाद के लिए जाती है रोड,
ये मुरादाबाद वाली रोड हो गई और इधर हो गई आपकी ये नगीना की तरफ जाने वाली। नगीना चौक की तरफ जाने वाला रोड है ना, ये हो गया मुरादाबाद में जाने वाली रोड और ये हो गया आपका अफजलगढ़ खालेगढ़ वाली रोड जो अरे जाती है अपने दाल वगैरह के लिए है ना उत्तराखंड के लिए। यह है RSM डिग्री कॉलेज, बराबर में आपका RSM इंटर कॉलेज है। साथियों मेरा कहना मतलब यह है कि ये रहा शक्ति नगर, ये बोर्ड है ये लग रहा है शक्ति नगर बोर्ड, देखिए हाईवे पे तो आप जानते हैं क्या पोजीशन होती है, रुकने नहीं देता आदमी। देखिए ये हाईवे से भी एक कदम आगे है, एक बिल्कुल हम कहेंगे हमारा प्लॉट ये प्लॉट जो है हाईवे पर है, क्योंकि गाड़ी से उतरे और चार कदम के बाद पांच कदम के बाद में आप जो हाईवे प्लॉट में पहुंच गए। हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। बताओ जी बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, क्या क्या सहूलियत है यहाँ पर? यहाँ पे तो सारी सहूलियत है, आप कहीं से भी आते हैं, मान लो हल्द्वानी की साइड से आते हैं तो भी आपकी बस यहीं पे रुकेगी और आपके चार कदम पे घर है आपका, मतलब आप गाड़ी जो रुकेगी तो यहाँ सामने रुकी है घर के सामने। ये मेरे ख्याल से पुलिस चौकी चेतक, चेतक पुलिस चौकी हल्द्वार चले जाओ। बताओ चले जाओ, कांसीपुर चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह की सुविधा है यहाँ पर, हर जगह की सुविधा है। ऐसी जगह चले जाओ और व्यापारिक जगह, व्यापारिक भी जगह है, व्यापारिक जगह हाँ, और रेजिडेंस है, रेजिडेंस नीचे दुकान ऊपर मकान, बहुत बढ़िया वेरी गुड, ऐसे बनाइए यहाँ पर है ना। मैं मास्टर सराफत हुसैन, मैं मास्टर सराफत हुसैन, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। देखिए हम बड़े सीधी सच्ची बात रखते हैं, मालिकों से डायरेक्ट बात कीजिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर देंगे, हमसे नंबर पूछेंगे तो डायरेक्ट नंबर बता देंगे आपको या मुलाकात करा देंगे। साथी कहते हैं प्लॉट नहीं मिलते, प्लॉट मिलते हैं भाई, दिलवाने वाला चाहिए और जो बेच रहे हैं उन बेचारों को पता नहीं लगता कि लेने वाला कौन है। अब देखिए बेचने वाले आपके सामने हमने पेश कर दिए, लेने वाले आप हैं, आप बात से खुद बात कर लीजिए, हम अपनी बात को आपके सामने रखिए और आप आगे खुद बात कर लीजिए। कि हमसे कोई बात करना चाहेंगे तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी डायरेक्ट बात करा दें या कॉन्फ्रेंस में बात करा दें या मीटिंग करा दें, तो आपके इनके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी जानिब से हर तरह से, देखिए मेरे बड़े सीधी जुबान से बात करता हूँ भाई, जो तो प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो नहीं करता मैं, जो घरेलू बात है घरेलू बात रखता हूँ। ये ऐसे चौक पर हम खड़े हैं, एक तो सुरक्षा बहुत है, इस चौक पर सुरक्षा सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस चौकी चेतक, RSM डिग्री कॉलेज, RSM इंटर कॉलेज और क्या बताएं, ये चारों तरफ जाने वाली रोड, ये देहरादून हरिद्वार की तरफ आने वाली रोड सर रास्ते ही को पास करता। हाँ एक और बात, ये NH-74 है और ये NH-74 यहाँ से मुश्किल से 400-500 मीटर के बाद आपकी बन जाती है फोर लाइन, हाईवे फोर लाइन, जो फोर लाइन है वो यहाँ से मुश्किल से पास में है और बस फोर लाइन से आ गए तो अपने घर में आ गए यहाँ पर है ना। ये बहुत बढ़िया मौका है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे मोबाइल नंबर 97-56-28-67-56-27-51 पर मुझसे बात करें। ये शक्ति नगर है, RSM का चौराहा है, सहारा प्रॉपर्टी 50 है, आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ और सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसा ये चैनल ऐसा है जो आपको आपकी मंजिल तक, जहाँ आपकी चॉइस हो रही है हज़ारों
यानी कि सैकड़ों मैंने इसके अंदर प्लॉट मकान दुकान डाल रखी हैं। और चॉइस कीजिए, मालिक से खुद बात कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के नंबर हैं, या डायरेक्ट बात कराई है मैंने, या मुझसे भी अगर पूछेंगे तो मैं भैया सीधी बात करा दूँगा, ये नंबर दे दूँगा। आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है। थैंक यू, थैंक यू।